सत श्री अकाल जी। सो अज आपां गल करनी आ पंजाब दी एक जिहड़ी सारिआं ने बड़े चावां नाल इनकलाबियां दी अखौती इनकलाबियां दी सरकार बनाई सी पंजाब दे वधिया भविख लई पंजाब दे विच बदलाव लई। ते इह पंजाब दे विच बदलाव लिआउंदे लिआउंदे पता नहीं किहड़े राह नूं तुर पए आ जगों तेरहवीं गल्लां करी जांदे आ। तुसीं लगातार कई दिनों तो सुन रहे हो कि सरकार वख वख जिलों के विच लसंसां की पड़ताल कर रही है ते जिहड़े हथियारां दे लसंस ने उन्हां नूं रद्द कर रहे ने भी जिहड़े कोई भाई गलत पाए जाणगे उह रद्द कीते जा रहे। हुण इहनां ने अज तां जमें ही एक हैरानी वाली गल देखो एक 10 साल के जवाक के उत्ते परचा जिहड़ा दर्ज किया है अज इस पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 10 साल के जवाक के उत्ते एक मुकदमा दर्ज किया है कि यह जिहड़ा जवाक है इहदी जिहड़ी फोटो है किसी हथियार के नाल सोशल मीडिया से पाई हुई है। हुण ये लगातार लगे हुए ने कि जी गन कल्चर नूं असीं खत्म करना है गन कल्चर नूं खत्म करना हुण की उह 10 साल दे जवाक नूं जेल भेजा जाऊगा। जां कुछ दिन पहलां तुसीं देखिआ होणा कि एक कोई आ पीजे वाले आ दो मियां बीबी पता नहीं किहड़ा पीजा उह वजदा कोई रीलां बणाउंदे ने पता नहीं की उह करदे ने इस तरह का कम कार कोई उन्हां दे उत्ते भी एक मुकदमा दर्ज होया हथियारां नूं लै के हालांकि उन्हां कोले कोई असली हथियार नहीं सी आ जिहड़े खड़ौणे हथियार हुंदे आ ना लकड़ी दे बनाए हुए आम तौर ते आपां देखदे हां वी जदों कोई इहो जिहे हथियारां दी प्रदर्शनी जदों स्कूलां दे विच कालजां दे विच कोई नाटक खेडे जांदे ने कोई ड्रामे खेडे जांदे ने कोरियोग्राफी हुंदी आ उहदे विच वी इहो जिहे हथियारां दी प्रदर्शनी कीती जांदी है इहो जिहे हथियारां दे नाल जिहड़ा उत्थे ड्रामिआं दे विच उहनां दा इन्हों की वरतों की जाती है उन्होंने को हथियार फड़े हुए ने पता नहीं कोई उन्होंने बनाई होनी है कोई अपनी वीडियो उन्होंने उत्ते भी मुकदमा दर्ज करता अज एक जवाक से मुकदमा दर्ज करता कुछ दिन पहला अमृतपाल सिंह महरो के मुकदमा दर्ज होया एक मंत्री के मुकदमा दर्ज होया कि हथियारों ये प्रमोट कर रहे हैं जी हथियारों की नमैश कर रहे हैं जी। देखो एक गल तो मैं तुम दस देना चाहना कि असी कोई ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾੜਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣੇ ਆ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫਿਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ
लसंसी हथियार लैके स्कूल च वड़ के जवाक मारते हो, किसी मंदिर मस्जिद गुरद्वारे च वड़ के किसी नूं मारता होवे। आम तौर ते आपां अमरीका वर्गे देश जां होरनां देशां दे विच देखदे आं कि किवें मस्जिदां दे विच स्कूलां दे विच वड़ के कतलेआम हो जांदा, उह हुंदा गन कल्चर। पंजाब दे विच तां इह जिही गल ही नहीं हैगी। एक सूरी का कतल होया, वह सूरी का कतल किसी लसंसी हथियार जां गैर कानूनी हथियार की गल नहीं है, वह उहदी जबान रोक करके उहदा कतल हुंदा। इस गल नूं सरकार भी समझदी ते आम लोग भी समझदे आ। दूजे पासे तुसीं अंकड़े, मैं सरकार नूं पुछना चाहुंदा कि तुसीं अंकड़े दे सकदे आ कि हुण तक पिछले दसां सालां दे विच जां हुण तक जिन्ना चिर दी सरकार आई इहनूं 8 महीने 9 महीने हो गए, इन्हां 8 महीनियां दे विच किन्ने बंदे लसंसी हथियारां नाल मरे ने ते किन्ने बंदे इत्थे गैर कानूनी हथियारां नाल मरे ने, वह भी AK-47 वर्गे हथियार मूसे वाले ने जो मारन आए ने, AK-47 वर्गे हथियार वरते जाते, और थोड़े को फड़े नहीं गए हाल तक बंदे, वह पूरे फड़े नहीं गए बंदे हाले, उहदी पूरी कोई जांच नहीं हुई। AK-47 कित्थों आईआं, उहदे विच थोड़ी इंटैलीजेंसी फेल हुई सरकार की, थोड़ी CID फेल हुई सरकार, बुरी तरह फेल हुई। एक एडा वड्डा बंदा मारता, संदीप नंगलंबिया का कतल होया कि लसंसी हथियार नाल होया, जो होर जिन्ने भी इत्थे कोई कतल होए ने कि लसंसी हथियार नाल होए ने। ये सारिया गल्लां दे पर्दा पाउण दे लई तुसीं आ सारा काम चला लिया कि लोकां दे विच डर इक दहशत पैदा कर दिओ, आ चीजां कर करके परचे दर्ज कर करके। दूजे मैं देख रहा पक्ष तो कि तुसीं लोकां नूं निहत्थे कर रहे हो। मान लो कोई राह जांदा बंदा है जिहदे कोले कोई आपदी रक्षा लई बंदा हथियार रखदा है, ये बंदे नूं भी पता हुंदा कि जे मैं हथियार चलाता तां 20 साल दी बट्ट ते पई है ते चुल्हां च घा अग आउंदा है, ये सब बंदे भी जाणदे हुंदे ने। जिहड़ा बंदा हथियार लसंस लैंदा है उहनूं समझ हुंदी, जिहड़ा रखदा है उहनूं पता हुंदा है कि मैं हथियार रख्या मैं अपनी रक्षा लई रख्या, ना कि किसे नूं मारन लई रख्या। सो ये जिहड़ी गल आ, तुसीं हुण अंकड़े सरकार दे दे वी पिछले 8 महीनां दे विच किन्ने बंदे गैर कानूनी हथियारां नाल बिना लसंस वाले हथियारां नाल तो मरे ने ते किन्ने बंदे लसंस वाले हथियारां नाल मरे ने। तां मैनूं लगदा कि सिर्फ ते सिर्फ जिहा कतल सूरी वाला कतल है, एक कतल होना है पंजाब दे विच 8 महीनों च जिहड़ा लसंसी हथियार नाल होया। जे दिल्ली की आपां गल करिए, दिल्ली दे विच साडे नाल 10 गुणा ज्यादा कतल हुंदे ने लसंसी हथियारां दे नाल। जे आपां क्राइम की गल करिए, जुर्म की गल करिए, कतलों की गल करिए, UP राजस्थान हरियाणा साडे नाल क्राइम रेट दे विच किते ज्यादा अगे आ। दूजे पासे मैं सरकार नूं पुछना चाहुंदा है भी जिथे गैर कानूनी हथियारां दे नाल एडे वड्डे कतल होए, इन्ने बंदे मरे, उत्थे तुसीं बुरी तरह फेल हो गए। जिहड़े पासे आपां गल करदे हां आ नशे दीआं खेपां दीआं खेपां आ रहीआं ने, 8 दी एवरेज आ, 8 दी इक दिन दी, ये अंकड़े ने कि एक दिन दे विच पंजाब दे विच 8 नौजवान चिट्टे नाल मर रहे हैं। शरेआम लोग कह रहे ने पिंडां दे विच उठ के कि आ साडे पिंड च फलाना बंदा बेचदा है, आ साडे पिंड च फलाना बेचदा है, करो कार्रवाई। ला मैं सरकार नूं कहना है जिहड़ी थोड़ी टीम बनाई हुई है नशा के खिलाफ दी सिट बनाई हुई है, मैनू बुलाओ, मैं दसन नूं तैयार हाँ भी साडे बठिंडे जिले दे विच किहड़े किहड़े वड्डे तस्कर ने, किहड़े किहड़े वड्डे समगलर ने, जिहड़े मोटा काम करदे आ, वड्डे पद्धर ते चिट्टा बेचदे आ। SSB बठिंडे ने मैं ध्यान च लिया चुकिया गल, CI बठिंडे ने मैं ध्यान च लिया चुकिया, DSP ने मैं ध्यान च लिया चुकिया, SHO ने मैं कई बार ध्यान च लिया चुका भी आह आह बंदे चिट्टे का कारोबार करते, कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं फड़ता, कोई नहीं पुछता, जिहदे नाल साडी जवानी मर रही है। उधर नूं ध्यान देने की बजाय आ पुठे कमां ते हो गए।